हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआर स्टडीज। वेलकम टू एमआर स्टडीज। आज आम देखा जोटा आम ओटीटी एग्जाम जो सिलेबस आकार में रही तो आम विशेषकर ना पेडागोजी सेक्शन ता सहित आम कंटेंट सेक्शन को एक सांगे आम लेकिन चलुचे। देखो आम थ्रोली सिलेबस अनुसार जोटा पेडागोजी अच्छे तो इभीएस पेडागोजी को आम कभर करुचे सहित आम कंटेंट को आम कभर करवा जहाद्वारा कि सिलेबस अनुसार जेहेतु आम कम समय अच्छे तो यही कम समय मध्य आमको प्रिपेयर होगा पड़ता है तो आम कौन करवा ना पेडागोजी सेक्शन एवं आम कंटेंट सेक्शन को आम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रूप में आम जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक रोचे जोटा कि परीक्षा आसवा भाई प्रश्न रही आम कौन करें कौन करवा ना ताक आम प्रथम आलोचना करनेबा आलोचना परिसर में जो प्रश्नर तार तथ्य गुड़िक आम बुझेक पड़ता है ताक आम कौन करवा आलोचना करवा तो थ्रोली भाव में आम इभीएस पेडागोजी वीडियो अपलोड कर सारीचे सहित भूगोल कंटेंट आम अपलोड कर सारीचे सहित आम मैथ क्लास को आम अपलोड कर सारीचे तो जो मैंने भी देखी ना से माने जाकि प्लेलीस्ट को देखिपारे सहित मुझे रखे जेहेतु ओटीटी प्रिपेरेसन ता सिलेबस अनुसार चलिबो एवं गोटे प्रोसेस अनुसार चलिबो तो समस्त को अनुरोध तो चैनल टी को कौन कर ना चैनल टी को सब्सक्राइब कर शेयर कर एवं ता सहित लाइक कर एवं निजर सांगसाथी मान को मध्य कौन कर ना सांगसाथी मान को मध्य शेयर कर जहाद्वारा कि से पाखे भिडियोटी उपलब्ध हो पार पहुँची पार तो आम थ्रोली आज कौन करवा ना आज आमर जो आलोचना परिसर रही तो जोटा कि इभीएस सेक्शन इभीएस सेक्शन जोटा आसुचे आमर साइंस उपर आधारित तो साइंस रो आधारित ना साइंस रो सिलेबस अनुसार जोटा अच्छे मैटर मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज अर्थात पदार्थ और तहार धर्म से विषय में आम कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को आम आलोचना करने तो समय को सदुपयोग कर आम कौन करवा ना आरंभ करवा आम प्रथम प्रश्न को प्रथम प्रश्न को जी प्रथम प्रश्न कौन अच्छी देखा तो प्रथम प्रश्न अच्छी कौन ना प्रथम प्रश्न अच्छे आम पाखे प्रथम प्रश्न टी अच्छे प्रथम प्रश्न टी अच्छी निम्नोक्त मध्य कौटी पदार्थ नुहे निम्नोक्त मध्य कौटी एक पदार्थ नुहे तो आम जो देखा तो ए अच्छे ऑप्शन अच्छी कुहुड़ी बी रे अच्छे स्मोक सी रे अच्छे जल डी रे अच्छे तापमात्रा तो यार सठिक उत्तर टी हम कौन ना यार सठिक उत्तर टी हम ऑप्शन डी हे यार सठिक उत्तर। अच्छा कारण कहीं देख कारण हूँ कुहुड़ी एक पदार्थ जेहेतु पदार्थ होगा तार गोटे धर्म रहा पड़ता है जे प्रत्येक पदार्थर तहार कौन था ना आकार से किसी स्थान अधिकार करता कौन थाए ना से वस्तुत्व या कथा जो वस्तुत्व ही ना से आम ताकूम पदार्थ ही कहीपर ना तेणु तापमात्रार कौन प्रकार वस्तुत्व नुहे ना तेणु आम ताकूम गोटे पदार्थ बोलीपर ना जी आम प्रश्न नंबर दुई को प्रश्न नंबर दुई कौन अच्छे ना प्रश्न नंबर दुई अच्छे निम्नोक्त मध्य क्यों दुईट पदार्थ मध्य निम्नोक्त मध्य क्यों दुईट पदार्थ मध्य निम्नोक्त मध्य क्यों दुईट पदार्थ मध्य विसरण घटव ना। अच्छा ए रे अच्छे कौन काठ और लुण बी रे अच्छे जल और लुण सी रे अच्छे जल और ऑक्सीजन डी रे अच्छे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यार सठिक उत्तर टी कौन हे ना यार सठिक उत्तर टी हे काठ और लुण। अच्छा आम प्रथम टी बुझे तो बुझा प्रथम कौन ना यार सठिक उत्तर तो है काठ और लुण। अच्छा काठ और लुण कहीं सहित जल लुण कहीं ना जल ऑक्सीजन कहीं ना सहित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कहीं ना यार कारण हूँ तो प्रथम बुझ जो विसरण प्रक्रिया आम क्या कहूँ तो विसरण प्रक्रिया कौन होता है ना कम सांद्रता जितेबाला अधिक सांद्रतार कम सांद्रता को जितेबाला पदार्थ कणिका गुड़िक कौन होता ना स्थानांतरित होता आम कौन बोली कहूँ विसरण प्रक्रिया कहता ता सहित एठार काठ और लुण यार सठिक उत्तर कहीं काठ और लुण दुईट आम जो देखु ये दुईट होती कठिन पदार्थ कौ पदार्थ देख कठिन पदार्थ जेहेतु कठिन पदार्थ गुड़िका मन रखा हम जे कठिन पदार्थ गुड़िकत विसरण प्रक्रिया संघटित हो ना तेणु एटारे आम कहीपर एटारे काठ और लुण जेहेतु कठिन पदार्थ तेणु यार सठिक उत्तर टी हे काठ और लुण जीवा आम परवर्त प्रश्न को
प्रश्न नंबर तीन। अच्छा प्रश्न नंबर तीन रे कौन अच्छे देख, प्रश्न नंबर तीन रे अच्छे निम्नक्त मध्य क्यों थे अंत आणविक बल सर्वाधिक। अच्छा अंत आणविक बल, अच्छा आणविक बल के ना जो पदार्थ गुड़िक जो अणु गुड़िक अच्छे ये परस्पर सहित कौन करते टाणिक रखी था टाणिक रखा को आम कौन कहीपर ना अंत आणविक बोली कही आम कहीपर तो कौटार सर्वाधिक एर अच्छी जल बी रे अच्छे महम सी रे अच्छे अंगारकाम्ल डी रे अच्छे साधारण लुण यार सठिक उत्तर टी हम साधारण लुण कौटा ना साधारण लुण तार कारण कहीं देख अंत आणविक बल सदा सर्वदा यहाँ मन रखा पड़ो जो कठिन पदार्थ रे अंत आणविक बल अर्थात कणिका मैंने परस्पर सहित से कौन होता ना बांधी रही था अर्थात एम आकर्षण बलटा बहुत स्ट्रंग था बहुत स्ट्रंग शक्तिशाली तेणु कठिन पदार्थ में अंत आणविक बल सर्वाधिक। अच्छा तापर कौटा ना द्वितीय आम जो देखा ऑप्शन ए को जो विचार करवा देख जल जल में कठिन पदार्थ ठार कम अंत आणविक बल रही था जोटा कौचु आम कम रही था ता सहित महम कथा आम कौचे महम रे कम रही था तार सहित अंगारकाम्ल सर्वनिम्न रही था तेणु अधिक कथा आम ये पचारिचे अर्थात सर्वाधिक कथा कही जितेबले यार सठिक उत्तर टी हे ऑप्शन टी साधारण लुण जीवा आम परवर्त प्रश्न को। परवर्त प्रश्न कौन अच्छे निम्नोक्त मध्य क्यों पदार्थर एक अवस्था नुहे निम्नोक्त मध्य कौट एक पदार्थर अवस्था नुहे ए रे अच्छे कठिन बी रे अच्छे प्रवाहत सी रे अच्छे गैसीय डी रे अच्छे बीईसी हेला तो यार सठिक उत्तर टी हे कौटा ना सठिक उत्तर टी हे प्रभावित तार कारण कौन देख टे आम मुख्यत्व भाव आम कौन कर पदार्थ को आम मुख्यत्व श्रेणी आम तीन भाग में विभक्त कर सहित देख से मुख्यत्व भाव कौन ना कठिन पदार्थ तरल पदार्थ आ गोटे हूँ गैसीय पदार्थ किंतु आउ दुईट पदार्थ रही था से दुईट है कौन ना आउ गोटे प्लाज्मा है कौटा प्लाज्मा है आउ गोटे हूँ बीईसी बोस आइनस्टाइन आम कंडेनसेंट बोली जहाँ को आम कही था तो मुख्य आम साधारण रूप से आम जो देखु तो पांच भाग में आम ताक पदार्थ को देखते कितना मुख्यतः आकार में आम कौटा ना आमपाई जिते बड़े दरकार तो आम तीन भाग में आम ताक विचार करेणु यार सठिक उत्तर टी हे प्रभावता प्रभावता एक अवस्था नुहे जीवा आम परवर्त प्रश्न को प्रश्न नंबर पाँच को देखा प्रश्न नंबर पाँच रे कौन अच्छे देख क्योंटी भूल क्योंटी निम्नोक्त मध्य कौटी भूल है ए रे अच्छी कौन ना ए रे अच्छी कठिन पदार्थ कणिका मान व्यवधान बहुत कम है सहित आम जो ऑप्शन ए को आम जो देखा जेकोसी गोटे कठिन पदार्थ कथा कहे तो कठिन पदार्थ गुड़िक कौन होता है ना कणिका गुड़िक कौन होता है ना पाखापाखे बांधी रही था अर्थात एम फाका स्थान बहुत कम थाए अर्थात एमानक मध्यरे व्यवधानटा तार व्यवधान मान अर्थात केते छाड़ी छाड़ी अर्थात एमाने छाड़ी छाड़ी विशेष कर रही नथा कठिन पदार्थ रे सेमाने पाखे पाखे जोड़ी जोड़ी होकर रही था तेणु एटा हेबो ठीक। अच्छा पदार्थर कणिका मैंने इतिहासत भाव गति करते पदार्थ में जेकोसी एक पदार्थ कथा कहे तो पदार्थ कठिन हो कि तरल कि गैसीय पदार्थ हो तो प्रत्येक पदार्थ में कणिका मैंने कौन करते इतिहासत भाव से गति करता अच्छी ठीक। अच्छा सीर को जो देखा पदार्थ गुड़िक निरवच्छिन्न अर्थात कणिका कणिका मध्य फांका स्थान न थाए। अच्छा कणिका कणिका मध्य कौन होता है जेकोसी गोटे पदार्थ में आम जो देखा तो पदार्थ जो कणिका मान को नहीं गठित होती तो ये कणिका कणिका मान मध्य किसी ना कि कौन थाए फांका स्थान थाए कि एठार न थाए कह तेणु यहाँ हे भूल एवं गैस और गैस मध्य विसरण हार सर्वाधिक यहाँ ठीक गैस और गैस मध्य विसरण हार सर्वाधिक होता है यहाँ मन रखा पड़ा तेणु यार सठिक उत्तर टी हूँ कौन ऑप्शन सी पदार्थ गुड़िक निर्वचिन्न अर्थात कणिका कणिका मध्य फांका स्थान न थाए। जीवा आम परवर्त प्रश्न को निम्नोक्त मध्य क्यों ठीक प्रवाहता गुण तरल ठार गैसीय पदार्थ अधिक बी रे अच्छे तरल तरल मध्य विसरण हार सर्वाधिक सी रे अच्छी कठिन पदार्थर केवल कंपन गति थाए डी रे अच्छी गैसीय कणिका मानक वस्तुत्व न थाए। यह ठीक कथा आम जो कह तो ठीक कथा हूँ ऑप्शन बी कौटा ना सॉरी ऑप्शन कौटा ठीक कथा कह प्रवाहता गुण तरल ठार गैसीय पदार्थ अधिक है
एटा हेबो एहरा राइट उत्तर। जीवा हमें परवर्ती प्रश्न को कणिका मानक गतिज शक्ति वर्धित क्रम में सजाइले कौटा ठीक। अच्छा गतिज शक्ति अनुसार आम वर्धित क्रम में आम सजाइले कौटा हेबो एरे अच्छे देख गैसियो ठार तरल कम तरल ठार कठिन कम एटा तो भूल हेबो बी ऑप्शन को जो देखा देख गैसियो ठार तरल अधिक तरल ठार कठिन अधिक गतिज शक्ति कथा जो कौच गैसियो ठार तरल गैसियो ठार तरल अधिक तरल ठार कठिन अधिक तो यार सठिक उत्तर टी हम कौटा ना ऑप्शन बी हे ही यार सठिक उत्तर कारण हूँ देख वर्धित क्रम में आम जो लिखुचे तो गतिज शक्ति तार कौन हे ना कठिन तरल और गैसियो आकार रे ही रही है तेणु ऑप्शन बी हे ठीक एवं ऑप्शन सी भूल हे ऑप्शन डी भूल हे जीवा आम आठ नंबर प्रश्न को आठ नंबर प्रश्न आमको कौन कही आठ नंबर प्रश्न कहे निम्नोक्त क्यों जोड़ा पदार्थ विसरण प्रक्रिया बेग सर्वाधिक विसरण प्रक्रिया सर्वाधिक कौटे होता है ए अच्छी चीनी पानी बी रे अच्छी चीनी लुण सी रे अच्छी जल अम्लजान डी रे अच्छी वायु धूआं यार सठिक उत्तर टी हम वायु धूआं कारण हो कौन ना वायु वायु मध्य गैसीय गैसीय पदार्थ मध्य विसरण प्रक्रिया सर्वाधिक रही है यहाँ मन रखा पड़ो है यहाँ देख चीनी पा यहाँ गैसीय पदार्थ नुहे यहाँ तरल एवं कौन ना कठिन पदार्थ यहाँ हमें चीनी और लुण मध्य से कौन हो चीनी और लुण दुईट कठिन पदार्थ तो दुईट कठिन पदार्थ मध्य केत कौन ना विसरण प्रक्रिया सृष्टि होना ता सहित जल और अम्लजान अच्छा जल और अम्लजान मध्य विसरण हो पार किंतु यठार जल हूँ तरल पदार्थ अम्लजान हूँ गैसीय पदार्थ किंतु आम डी को जिते बड़े देखु तो डी वायु और धूआ अच्छी जिते बड़े दुईट गैस मध्य थाए तो गैस दुईटी कौन होता है विसरण प्रक्रिया सर्वाधिक होता है तेणु यार सठिक उत्तर टी हम ऑप्शन डी जीवा आम नौ नंबर प्रश्न अच्छी कठिन और तरल क्यों धर्मटी समान कठिन और तरल क्यों धर्मटी समान ए अच्छी एम को प्रवाह कह जाए एम निर्दिष्ट आकार थाए सी एम आयतन निर्दिष्ट डी एम सांद्रता अधिक आम जो नौ नंबर प्रश्न उत्तर को देखा नौ नंबर प्रश्न सठिक उत्तर टी हम एम आयतन निर्दिष्ट अर्थात एम निर्दिष्ट आयतन थाए है कठिन पदार्थ में निर्दिष्ट आयतन थाए सहित तरल पदार्थ में रही थाए जीवा आम दस नंबर प्रश्न को दस नंबर प्रश्न कह गोटे पात्र किसी जल नहीं गोटे पात्र किसी जल नहीं किसी मात्रा लुण द्रवीभूत कले पात्र मध्यस्थ जलर उच्चता बढ़े ना यार प्रकृत कारण टी कौन ना इन्हें कहते ना कि ये गोटे कौन ना आम गोटे पात्र नवा है गोटे पात्र आम कौन करवा ना गोटे पात्र आम जल नेवा गोटे पात्र कौन ना ना जल नेवा अच्छा जल से कौन पकेबा ना लुण द्रवीभूत करवा तो पात्र मध्य जो जलस्तर आम प्रथम जो जलस्तर नहीं तो से जलस्तर तार स्तरटा ऊपर के केते बेले बढ़िबो नहीं तार कारणटा कौन बोलिकी कहा जाइए ऑप्शन को आम जो देखा ऑप्शन रे कौन अच्छी देख ऑप्शन रे अच्छी आम पाखे ए अच्छी जल द्रावक और लुण द्रव हो हैला जल द्रावक और लुण द्रव होइतिबार सेतिपई ना बी रे अच्छी जल एक उत्तम द्रावक हेतु जल गोटे उत्तम द्रावक होइतिबा जो ता सहित सी रही लुण अणुगुड़िक जल अणु मध्य फांका स्थान रही जाए यहाँ हे यार सटिक उत्तर एवं शेषर अच्छी यही प्रक्रिया एक भौतिक परिवर्तन होइतिबार एक भौतिक परिवर्तन ऊपर डिपेंड करना नथाए तार सहित लुण अणुगुड़िक जल अणु मध्य फांका स्थान रही जाए जिते बड़े आम कौन करवा ना गोटे पात्र आम जो पा नौ पा नहीं जिते आम लुण को जिते बड़े देउची घाटी देखिए आम जो मिले दौ तो से चीनी गुड़िक कौन होता से चीनी अणुगुड़िक जलर फांका स्थान अर्थात कणिका मानक मध्य जो फांका स्थान रही था से फांका स्थान को जैक से अवस्थान करेणु एटा हेबो यार ठीक हैला कोटा ना ऑप्शन सी जीवा एगार नंबर प्रश्न को निम्नोक्त मध्य क्योंटी कठिन धर्म नुहे कौटे एक कठिन पदार्थर गोटे धर्म नुहे हैला देखो एरे अच्छी यार निर्दिष्ट आकार और आकृति थाए कठिन पदार्थ रे निर्दिष्ट आकार और आकृति थाए एटा ठीक अच्छे यार निर्दिष्ट आयतन थाए है ना एटा मध्य ठीक
प्रत्येक कठिन पदार्थर तार निज आयतन रही थाए सहित एगुड़िक अपसन सी अच्छे एगुड़िक दृढ़ और शक्त हाँ कठिन पदार्थ दृढ़ और शक्त होता सहित डी अच्छे कठिन कठिन मध्य विसरण हार कठिन तरल तुलन में अधिक यहाँ हे भूल है जेहेतु आम जानते कठिन कठिन पदार्थ मध्य कौन प्रकार विसरण प्रक्रिया सृष्टि होना यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी जी आम परवर्त प्रश्न प्रश्न नंबर बार को जी प्रश्न नंबर बारे अच्छे कौन ना प्रश्न नंबर बारे अच्छे क्योंटी भूल उक्ति अधिक अंत आणविक बल हेतु कठिन कठिन मध्य विसरण घटे ना है बी अच्छे तरल निर्दिष्ट आकार आयतन थाए सी अच्छे गैस पदार्थ निर्दिष्ट आकार कि आयतन न थाए तरल गैस उभय प्रवाह कहा जाए तरल गैस उभय को प्रवाह कहा जाए अच्छा यार भूल उक्ति को आम जो देखा तो ऑप्शन बार यार भूल उत्तर टी हम तरल निर्दिष्ट आकार और आयतन थाए यह भूल कारण हूँ तरल पदार्थर तार आयतन और वस्तुत्व थाए मात्र आकृति न था एक कथा को आम मन रखा पड़ो यठार आकार कथ निर्दिष्ट आकार न था सहित आम टे आलोचना करते कठिन पदार्थ कौन होता है ना कठिन पदार्थ आकार आयतन और वस्तुत्व थाए तरल पदार्थ कौन होता है ना तरल पदार्थ आयतन और वस्तुत्व थाए मात्र यार आकृति न थाए सहित गैस पदार्थ कथा आम जो देखा गैस पदार्थ आकार और आयतन न था कितु यार वस्तुत्व थाए तेणु यार सठिक उत्तर टी हम कौटा ना तरल निर्दिष्ट आकार आयतन थाए यहाँ हूँ भूल जीवा आम 13 नंबर प्रश्न को 13 नंबर प्रश्न कौन अच्छे देखा 13 नंबर प्रश्न अच्छे वस्तुत्व आयतन अनुपात को कौन कह जाए वस्तुत्व आयतन अनुपात को कौन कह जाए ना चाप बी रे सांद्रता सी रे आपेक्षिक सांद्रता डी रे अच्छे आर्द्रता यार सठिक उत्तर टी हम कौन ना ऑप्शन बी सांद्रता कौटा ना सांद्रता है तापर जीवा आम 14 नंबर प्रश्न को 14 नंबर प्रश्न भी कौटी पृथक के जी इंटु मास क्यूब यहाँ के जी इंटु मीटर क्यूब तार सहित ग्राम इंटु सेंटीमीटर क्यूब तार सहित ग्राम इंटु मीटर क्यूब तार सहित अच्छी कौन ना के जी इंटु के जी इंटु मीटर इंटु सेकेंड रार क्यू क्यूब ना माइनस वन दी टू द पावर माइनस वन अच्छा यार सठिक उत्तर टी कौटा है ना सठिक उत्तर टी हे यहाँ अलग यहाँ जोटा कि सांद्रता को सूचाई थाए कि यूनिट टी एटा सांद्रता को सूचाई थाए ना यह विशेषकर संवेग को सूचाई थाए के जी इंटु एम एस इंटु एस टू द पावर माइनस वन यहाँ कौटा को सूचाई थाए ना संवेग को सूचाई थाए तेणु यहाँ हे यार ठीक उत्तर है जीवा आम 15 नंबर प्रश्न को 15 नंबर प्रश्न अच्छे कौन ना चाप प्रयोग हेतु सर्वाधिक संपीड़ित होता पदार्थटी किए है ए रे अच्छी जल बी रे अच्छी किरोसीन सी रे अच्छी कठिन मम डी रे अच्छी धूआ अच्छा यठार टी आम बुझने तो संपीड़ित क्या कह तो संपीड़ित कथा हूँ जिते बिल आम कौन करवा ना गोटे पदार्थ तार कणिका गुड़िक को आम परस्पर भितर कौन प्रकार चाप देखिए ताक आम जिते बड़े निकटतर करुचु है कंप्रेस करुचु जिते बड़े आम चापिकी रखुचु अर्थात कणिका गुड़िक को जिते बड़े आम पाखपाख को आम चापिकी नहीं आसुचु प्रेसर मध्यम चाप मध्यम जिते बड़े आम निकटतम करूँ ताक आम कौन बोलीपर संपीड़ित बोलीपर कि कहुई कौन ना चाप प्रयोग सर्वाधिक कथा कहुई कौटार सर्वाधिक हे है सर्वाधिक कथा कहुई देख यार सठिक उत्तर टी हम कौन ना धूआ आम जिते बड़े देखा धूआ अर्थात धूआ गोटे गैसीय पदार्थ आकार रही है तो यह आम संपीड़न कर यार कणिका गुड़िक कौन रही था यार कणिका गुड़िक दूर दूर अवस्थान कर रही था तेणु एम को आम पाखक आने आम कंप्रेस देवाक पड़ता है कंप्रेस करवाक पड़ता है कंप्रेस करने द्वारा से कौन होता ना निकटतर होती यह सर्वाधिक भाव में संपीड़ित होता है कौटे ना गैसीय पदार्थ कौन ना तरल पदार्थ यहाँ कम ता सहित कठिन पदार्थ कौन आहरी कम सब कम संपीड़ित होता है कौटे ना कठिन पदार्थ जल रहे सर्वाधिक होता है कौटी ना सर्वाधिक होता है धूआर गैसीय पदार्थ गुड़िक जीवा आम 16 नंबर प्रश्न को 16 नंबर प्रश्न क्योंकि प्लाज्मा अवस्था देखा जाए ना अच्छा प्लाज्मा अवस्था कौटार देखा जाए ना ए रे अच्छे सूर्य सूर्य देखा जाए बी रे अच्छे विद्युत बल्ब विद्युत बल्ब में प्लाज्मार अवस्था आम देखा
पाइबा। तार सहित सीर अच्छे फ्लोरोसेंट बल्ब। अच्छा फ्लोरोसेंट बल्ब रे आम के आम कौन ना प्लाज्मार अवस्था आम देखा पाइन थाउ। ता सहित डी अच्छे नियन साइन रे आम कौन करो ना प्लाज्मार अवस्था आम देखा पाई था तेणु यार सठिक उत्तर टी हम फ्लोरोसेंट बल्ब ऑप्शन सी। जीवा आम 17 नंबर प्रश्न को। प्लाज्मा अवस्था पदार्थ रे कणिका माने क्यों अवस्था रे थांती। आम प्लाज्मा कथा जिते कौच प्लाज्मा हूँ गोटे पदार्थ तो प्लाज्मा रे जिते बड़े अधिक गरम रही है तो गरम रहा जो ये कौन होता है ना पदा जो कणिका मैंने अच्छा कणिका मैंने चार्जित होता ना अणचार्जित होता ना स्थिर अच्छे जोटा चार्जित किंवा अणचार्जित होता ना स्थिर रही था यार सठिक उत्तर टी हम कौटा ना सठिक उत्तर टी हूँ चार्जित कौन ना चार्जित जिते बड़े गरम होता है तो गरम होगा द्वारा से कौन होता है प्लाज्मा जो कणिका मैंने रही था से कणिका मैंने जिते बड़े गरम होता है से कौन कर ना प्लाज्मा सृष्टि कर प्लाज्मा चार्जित आकार रही था जीवा आम 17-18 नंबर प्रश्न को। निम्नोक्त मध्य क्यों अवस्था पदार्थर कणिका मान सर्वाधिक शक्तिशाली अटंती। अच्छा सर्वाधिक शक्तिशाली क्यों अवस्था रही था क्यों अवस्था विशेषकर कणिका मान सर्वाधिक शक्तिशाली अटंती। ए रे अच्छे कठिन बी रे अच्छे तरल सी रे अच्छे प्लाज्मा डी रे अच्छे गैस तो यार सठिक उत्तर टी कौन हे ना यार सठिक उत्तर टी हम ऑप्शन सी प्लाज्मा कौन ना प्लाज्मा जेहेतु यठार अधिक चार्जित देखा मिलता है तो चार्जित होगा जो अधिक शक्तिशाली रही था अधिक शक्तिशाली अटी था। ता सहित जीवा आम 19 नंबर प्रश्न को। 19 नंबर प्रश्न कौन अच्छी देखा कौन सी गैस तापमात्रा को अति मात्रा ह्रास करी सांद्रता को साधारण वायुर सांद्रतार एक विभक्त 100 रु एक विभक्त 1000 गुण को ह्रास कले पदार्थटि क्यों अवस्था मिले हैला यहाँ मन रखा उचित जिते बड़े आम वायु कथा कहचे तो वायु जिते बेले साधारण वायु सांद्रतारु आम जिते बेले एक बाय 100 रु आम एक बाय 1000 पर्यंत आम जिते बड़े ह्रास कर देउचे गोटे गैसीय पदार्थ को जिते बेले आम थंडा कर देउचे तो थंडा कर देबा द्वारा से माने कौन होता है ना थंडा कर देबा द्वारा से माने बीईसी अर्थात बोस आइनस्टाइन कंडेंसेंट। अच्छा एठार परिणत हो जाए था गैस पदार्थ को जिते बड़े आम के ना जोटा कि 0 केल्विन 273.15 डिग्री सेल्सियस आम जिते बड़े आम कम कर दे था गोटे कौन गैस पदार्थ को जिते बड़े कम कर दे था अर्थात थंडा कर दे था तो सेते बेले कौन होता है गैस पदार्थ टी बीईसी रे परिणत होता है तेणु यार सठिक उत्तर टी हम बीईसी गैस हेनी है प्लाज्मा हेनी बीईसी हम ता सहित उपरोक्त समस्त दिखाई उपरोक्त समस्त प्लाज्मा तो हेनी है गैस भी हेनी कितु गैस को जिते बड़े आम थंडा कर दे तो गैस को थंडा कर देवा द्वारा सही कौन थी परिणत हो ना से बीईसी रे परिणत होगा जीवा आम परवर्त प्रश्न को। परवर्त प्रश्न कौन अच्छी देख प्रवाह क्या कहते ए कठिन बी तरल सी गैस डी उभय तरल और गैस यार सठिक उत्तर टी हम कौन ना यार सठिक उत्तर टी हम ऑप्शन डी कौटा ऑप्शन डी। अच्छा उभय तरल और गैस को यह प्रवाह कहीं कहु तार कारण हूँ यहीटा आम चिंता आम गोटे हिसाब आम जिते बड़े मन रखा तो तरल पदार्थर कणिका गुड़िक गैस गुड़िक एगुड़ प्रवाहित होता है तेणु आम यही दृष्टिकोण आम कौन बोली कहीपर बुझीपर प्रवाह बोली आम ताकू जीवा आम 21 नंबर प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न कौन अच्छे देख टे निम्नोक्त मध्य क्यों दुईट पदार्थर विसरण होबना क्यों दुईट पदार्थ मध्य विसरण संगठित होबना ए रे अच्छे किरोसिनी और चीनी बी रे अच्छे किरोसिनी और जल सी रे अच्छे जल और फिटिकिरी डी रे अच्छे जल और अंगारकाम्ल यार सठिक उत्तर टी कौन हम ना यार सठिक उत्तर टी हम ऑप्शन बी किरोसिनी जल। अच्छा किरोसिनी जल किरोसिनी गोटे तरल पदार्थ जल मध्य गोटे तरल पदार्थ तो विसरण होबना कहीं तार कारण हूँ कौन ना आम जिते बड़े ये सांद्रता कथा आम जिते बड़े देखु जलर सांद्रता था किरोसिनी सांद्रता विशेषकर कम होता है तेणु कौन होता है एमानक मध्य विसरण प्रक्रिया सृष्टि होबना किंतु किरोसिनी और चीनी मध्य विसरण सृष्टि हे सहित जल और फिटिकिरी मध्य हम जल और अंगारकाम्ल मध्य संगठित जीवा आम परवर्ती प्रश्न 22 नंबर प्रश्न को आम जीवा देख 22 नंबर प्रश्न कही चारोटी ग्लास ए बी सी डी आम पाखे केतोटी ग्लास अच्छी ना चारोटी ग्लास अच्छी केतोटी ग्लास चारोटी ग्लास अच्छी। अच्छा चारोटी ग्लास
ए बी सी टी अक्षर द्वारा सूचित करा जाइछि चिन्हित करा जाइछि सेगुड़िक थिबा जलर तापमात्रा यथाक्रमे 30 डिग्री सेल्सियस ए ए क्लास रो तार तापमात्रा केते अछि ना ए क्लास रो तापमात्रा अछि 30 डिग्री सेल्सियस हैला बी बी नंबर क्लास रो तार तापमात्रा केते अछि ना 40 डिग्री सेल्सियस सी रो केते अछि सी रो अछि 48 डिग्री सेल्सियस अच्छा डी रो केते अछि डी रो अछि 64 डिग्री सेल्सियस हैला एटी चारटी ग्लास रे जो जल अछि त से जलर तार तापमात्रा गुड़िक दर्शा जाइए ता सहित पुणी कह प्रत्येक ग्लास रे 5 ग्राम साधारण लुण पकेले क्यों ग्लास रे लुण शीघ्र मिलजि आम जो चतुर्थ ए बी सी डी यही चारोटि ग्लास रे जितेबले आम कौन करवा लुण 5 ग्राम लेखाएं आम जितेबले आम पकईवा तो कौ कौ ग्लास रे ए ग्लास बी ग्लास सी ग्लास डी ग्लास कौ ग्लास रो जल रे लुणटा शीघ्र मिलजि हैला ऑप्शन रे अछि आमको ए ए ग्लास रे ए ग्लास रे प्रथम ग्लास रे जोटा अच्छा बी ऑप्शन रे अच्छे आमर सी ग्लास रे हैला सी ऑप्शन रे अच्छे डी ग्लास रे एवं डी ऑप्शन रे अच्छे बी ग्लास रे अच्छा यार सठिक उत्तर टी हबो कोटा ना सठिक उत्तर टी हबो ऑप्शन सी कोटा ऑप्शन सी अच्छा ऑप्शन सी रे कोन अच्छे ना ऑप्शन सी रे डी अच्छे अर्थात डी ग्लास रे तार तापमात्रा को आमे जत बले देखबा डी ग्लास रे तापमात्रा केते अच्छे देखो 64 डिग्री सेल्सियस एठारो आमे कोन जानिला जे जत बले गोटे तरल पदार्थ रे जहार तापमात्रा सर्वाधिक थाए ता मध्य रे आमे जत बले आमे कोन करछु ना जत बले गोटे आमे लुण जत बले पकाउछु किबा चीनी आमे जत बले आमे पकाउछे तो सेत बले ताहा शीघ्र मिलि जइबो जहार तापमात्रा अधिक सेठारे शीघ्र मिलि जइबो लुण एवं चीनी रो तार कणिका गुड़िक हैला तेणु यार सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन सी जिबा आमे नेक्स्ट प्रश्न को 22 परे आमे 23 नंबर प्रश्न को आमे देखिबा अच्छा 23 नंबर प्रश्न रे कोन अछि बाष्पीभवन और स्फुटन प्रक्रिया मध्ये रे केउटी समान ए रे अछि उभय प्रक्रिया रे तरल पदार्थ गैसीय पदार्थ रे रूपांतरित हुए आमे बाष्पीभवन एवं स्फुटन प्रक्रिया कथा आमे जतबले कहुछिए तो प्रथमे तो ऑप्शन रे अछि उभय प्रक्रिया रे तरल गैस तरल पदार्थ गैसीय पदार्थ रे रूपांतरित हो जइबो हैला गोटे तरल पदार्थ गैसीय पदार्थ रे परिवर्तन हो जइबो हैला यहा तो ठीक तापर बी रे अछि कोन ना उभय तापशोषी प्रक्रिया उभय कोन ए माने उभय कोन करथांती तापस को ग्रहण करथांती ए माने उभय तपे तापशोषी प्रक्रिया एटा मध्य तो ठीक अछि हैला ताप सहित ऑप्शन सी रे अछि उभय ए ओ बी एटा हेबो यहर राइट उत्तर आउ डी रे अछि उभय प्रक्रिया मध्ये कोन से समानता नहे ना समानता अछि हैला देखो समानता कोन अछि जे आमे जते बेले बुझिबा बाष्पीभवन एवं स्फुटन कथा आमे जते बेले बुझिबा तो बाष्पीभवन एवं स्फुटन आमे काहा को कहिबा तो देखो जे बाष्पीभवन रे कोन होइथाय ना तार तरल पदार्थ ते से बाष्प आकार रे से कोन होइथाय गैसीय पदार्थ रे परिवर्तन होइथाय एवं स्फुटन स्फुटन माने कोन ना स्फुटन माने जेतेबेले आमे गोटे तरल पदार्थ को आमे गरम करूछु से तरल पदार्थ उदाहरण स्वरूप आमे जेतेबेले जल को आमे कोन करूछु ना जल को जेतेबेले आमे गरम करूछे हला तापमात्रा प्रयोग करूछे तो तापमात्रा प्रयोग करबा द्वारा से माने कोन होइतांती ना जेतेबेले 100 डिग्री सेल्सियस रे जेतेबेले पहुंचीथांती जलर कणिका गुड़िक से माने कोन होइतांती ना बाष्प रे परिणत होइतांती चाहे तो बाष्पीभवन रे कोन होइथाय ना निर्दिष्ट तापमात्रा न पहुंचिबा पर्यंत अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस न आसी कि मध्य से माने कोन होइतांती गैसीय पदार्थ रे से माने परिणत होइतांती किंतु एठार तो जणा पडुछि जे बाष्पीभवन हो किंबा स्फुटनांक हो तो से माने कोन करितांती जे जेउ कणिका गुड़िक अछि ए कणिका गुड़िक कोन होइथाय ना तरल पदार्थ से माने गैसीय पदार्थ को परिवर्तित होइथांती तेणु यार सठिक उत्तर टी हेबो ऑप्शन ए ओ बी हैला जिबा आमे 24 नंबर प्रश्न को एको गैसीय पदार्थ को तरल रे परिणत करबा पई निम्नोक्त केउटी सर्वोत्तम उपाय हैला गोटी गैसीय पदार्थ को आमे तरल रे परिणत गोटी गैसीय पदार्थ को आम तरल जितेबाला परिणत करवा निम्नोक्त मध्य क्योंकि सर्वोत्तम उपाय कौ कौटा गोटे ठीक उपाय कथा कह जाए ये है तापमात्रा ह्रास करवा देख बुझा चेष्टा कर जे आम जितेबाला गैसीय पदार्थ रु आम तरल पदार्थ करने को चाहूचे तो तापमात्रा आम कम करदे कौन हे ता
तरल पदार्थ में परिणत हो। उदाहरण स्वरूप आम जो बुझुचे तो देख आम जो बर्षा कथा कहे अच्छा जल कौन होता है ना जल गरम होगा द्वारा से कौन होता है बाष्पीभवन प्रक्रिया माध्यम से ऊपर को चल जाए वायुमंडल से कौन होता है गैसीय पदार्थ आकार से रही है जो गैसीय पदार्थ आकार रही है वायुमंडल जो थंडा हो जाए थंडा हो गला कौन होता है थंडा हो गला से जल कण धारण कैं तरल पदार्थ परिणत हो वर्षा होता है यठार सूचना मिलू कौन ना यठार सूचना मिलूँ आम तापमात्रा ह्रास करवा द्वारा आम जो तापमात्रा कम कर दूचे तो तापमात्रा कम कले कौन हे ना गैसीय पदार्थ टी तरल पदार्थ रूपांतरित हो जाटा ठीक कथा है बीर अच्छे कौन ना चाप वृद्धि आम जो चापर चापर परिमाण को आम जो वृद्धि करुचे से कौन हे ना से कौन हे ना गोटे गैसीय पदार्थ तरल पदार्थ परिणत होगा ता सहित सीरे अच्छे तापमात्रा ह्रास और चाप वृद्धि हला तापमात्रा जिते बेले आमे ह्रास करिबा ओ चाप वृद्धि करिबा तो सेते बेले गोटिए गैसीय पदार्थ तरल रे परिणत हेबो एहा मध्ये ठीक किंतु एठारे बोलछे सर्वोत्तम उपाय कथा आमे जिते बेले कहुचे तो यार सठिक उत्तर हेबो कोटा सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन सी किंतु ऑप्शन डी तापमात्रा वृद्धि आमे तापमात्रा वृद्धि कले कोनसे प्रकार आकार आमे धरा जाऊ आमे कोन करिबा ना गोटे तरल पदार्थ को आमे जिते बेले तापमात्रा वृद्धि करुचे तापमात्रा देले ता कोठी रे परिणत होइ जइबो ना गैसीय परिणत होइ जइबो हला सहित यार सठिक उत्तर कौन हम सठिक उत्तर टी हूँ तापमात्रा ह्रास चाप वृद्धि आम जो गोटे पदार्थर तार रूपातरण कथ आम कहे तो पदार्थर रूपातरण से नहीं जिते बेले आम तापमात्रा कमे देवा से तार अवस्था परिवर्तन आसी थाए एवं जिते बेले आम कौन करवा प्रेसर देवा प्रेसर व चाप प्रयोग करवा चाप प्रयोग कले अवस्था परिवर्तित होता है तेणु यार सठिक उत्तर ऑप्शन सी जीवा आम 25 नंबर प्रश्न को देख ए बी सी चारोटी पदार्थर गलनांक यथाक्रमे 80 डिग्री सेलसीयस 168 डिग्री सेलसीयस 112 डिग्री सेलसीयस 268 डिग्री सेलसीयस हेले अंत आणविक बलर वर्धित क्रम सजाइले केउटी ठीक हैला ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी यार ठीक उत्तर टी कोटा हबो यार ठीक उत्तर टी हबो ऑप्शन बी ऑप्शन बी अच्छा गणनांक बोले कौन ना गणनांक बोले हूँ जिते बेले गोटे कठिन पदार्थ टे है कठिन पदार्थ जिते बेले तरल पदार्थ जिते बेले परिवर्तित होला तो सेटा को आम कौन बोले कहवा ना गणनांक बोली आम कहवा है तार सहित यहाँ विगलन बोली कहुई थाए तो यठार आमको कहुई जो कौटा ना अंत आणविक बलर वर्धित क्रम सजाइले कौटा ठीक हे तो यार सठिक उत्तर टी हे ऑप्शन बी है देख टे डी डी के डी अच्छी जोटा 268 डिग्री सेलसीयस सी रे अच्छे ना 112 डिग्री सेलसीयस बी रे केते अच्छी बी रे अच्छी 168 डिग्री सेलसीयस हैला ए रे केते 80 डिग्री सेलसीयस यार सठिक उत्तर टी हम कौटा ना बी डी सी ए बी डी सी ए जीवा आम 26 नंबर प्रश्न को एक गैस को सीधा सड़क कठिन परिणत होगा कौन कहुए जो गोटे गैसीय पदार्थ को आम कठिन पदार्थ को जो रूपांतरित करुचे तो ताक आम कौन बोली कहींपर है ए रे अच्छे तरलन बी रे अच्छे विगलन सी रे अच्छे संगरण डी रे अच्छे ऊर्ध्वपातन यार सठिक उत्तर टी हम ऊर्ध्वपातन कौन ना ऊर्ध्वपातन यार सठिक उत्तर हम ऊर्ध्वपातन अर्थात जितेबले गोटे गैसीय पदार्थ है कठिन पदार्थ देख गोटे गैसीय पदार्थ को आम जो थंडा करदे तो थंडा करदे से तरल पदार्थ को न आसिकी से सीधा सड़क कौटा को ना कठिन पदार्थ को जो रूपातरित होगा आम ऊर्ध्वपातन कहे तो ठीक गोटे कठिन पदार्थ को गरम करदे तो गरम करदे सी कौन हे ना तरल पदार्थ को न जाए से सीधा सड़क गैसीय पदार्थ को जो चली गैसीय अवस्था जो परिवर्तित होने पातन बोली कहींपर तेणु यठार क्वेश्चन अच्छी गैस सीधा सड़क कठिन जिते बेले परिणत होने कौन कहवा ना ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया बोली आम कहीं उदाहरण स्वरूप जिते बेले आम गंधकर्पूर अच्छा गंधकर्पूर को जिते बेले आम गरम करवा तो गंधकर्पूर को गरम करवा द्वारा से सीधा सड़क गैसीय पदार्थ रे ही परिणत होला जीवा आम 37 नंबर प्रश्न को ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया पाई केउटी सत्य कठिन रु गैस किंबा गैसीय रु कठिन हेबा हैला कौन ना कठिन रु गैस किंबा गैसीय रु कठिन हेबा एटा ठीक के
देखा तापर बी अच्छे केवल कठिन रू गैसीय हवा केवल खाली कठिन पदार्थ रू गैसीय होगा यहाँ ठीक कि ऑप्शन सी रही गैसीय पदार्थ सीधा सड़क कठिन परिणत होगा गैसीय पदार्थ सीधा सड़क कौटी ना कठिन परिणत होगा यहाँ ठीक कि तरल रू गैसीय होगा तरल पदार्थ रू गैसीय होगा यहाँ ठीक कि ना उद्भवपातन प्रक्रिया कौटा ठीक ना कौटा ठीक सहीटा होते ना सतैशर ऑप्शन ए हे यार सठिक उत्तर कौटा अर्थात कठिन रू आम गैस परिणत करवा ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया एवं गैसीय कठिन परिणत करवा एक कण ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया तेणु ऑप्शन ए हे यार सठिक उत्तर जीवा आम परवर्त प्रश्न को परवर्त प्रश्न कौन अच्छी देखा निम्नोक्त क्यों तापमात्रा कौन सी एक पदार्थर कणिका मानक गतिज शक्ति शून्य हो अच्छा गतिज शक्ति शून्य हो क्यों तापमात्रा पदार्थ कणिका मानक गतिज शक्ति शून्य होते तापम्रे अच्छे शून्य केल्विन जीरो केल्विन बी अच्छे 273 केल्विन है सी अच्छे 273 सेलसीयस तापर डी अच्छे 0 डिग्री सेलसीयस यार सठिक उत्तर टी कौन निहार यार सठिक उत्तर टी हम ऑप्शन ए 0 केल्विन है जीवा आम 29 नंबर प्रश्न को 29 नंबर प्रश्न अच्छी कौन 29 नंबर प्रश्न अच्छी क्योंटी एक ऊर्ध्वपाती प्रक्रिया कौटी एक ऊर्ध्वपाती प्रक्रिया हेला एरे अच्छे साधारण लुण बी अच्छे फिटिकिरी सी अच्छे चीनी डी अच्छे गंधकर्पूर यार सठिक उत्तर टी कौन है यार सठिक उत्तर टी हूँ गंधकर्पूर आगर आम आलोचना करी तो गंधकर्पूर से कौन ना ऊर्ध्वपाती है कारण हूँ ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया यार संघटित होता है जिते बेला आम गंधकर्पूर को आम गरम करवा से सीधा सड़क गैसीय अवस्था से परिणत हो तेणु यह एक सठिक उत्तर गंधकर्पूर है साधारण लुण को आम गरम कले गैसीय पदार्थ में परिणत होना फिटिकिरी होना चीनी होना किंतु गंधकर्पूर परिणत हो तो यार आज आम नेक्स्ट प्रश्न को आम जिते बेले देखा नेक्स्ट प्रश्न कौन अच्छे देख यटार गोटे कौन दिखे यटार गोटे देख तो एडिटिंग कला समय जो ऑप्शन सी एवं ऑप्शन सी आर ऑप्शन डी टा सेटा नहीं किंतु ए दुईटी मध्य बाजी ने पड़े नब तो ये दुईटा मध्य यार ठीक उत्तर ही अच्छे ऑप्शन ए हुए तो यार ठीक उत्तर हो पारे ना ऑप्शन बी हो पारे हैला तो आम देखने तो ये डायग्राम रे कौन कह डायग्राम अनुसार एवं कौन हम यार ठीक उत्तर है देख एटार कठिन तरल गैसीय एभली तीनो अवस्थार चित्र दिखाई अच्छा आम चूज करने पड़ो ऑप्शन ए को आम जब विचार ऑप्शन ए को आम प्रथम देखा एभली प्रश्न को आम ऑप्शन अनुसार ही पड़ो ऑप्शन को देखा और डायग्राम को देखा तापर आम बुझाक चेष्टा करवा जोटा ठीक अच्छे सैटिस्फाई अच्छे से ठीक उत्तर अच्छा देख उपरोक्त रेखाचित्र अनुजाई क्योंटी ठीक है देख ए ऑप्शन अच्छी ए विगलन देख एटा कठिन रु तरल को विगलन अच्छा जितेबले गोटे कठिन पदार्थ को आम जो गरम करुँ ता तरल परिणत जिते बोले आम तरल विगलन बोली था ठीक अच्छे बी हिमन अच्छा तरल को कठिन जिते परिणत करवा कौन है कौन है देख तरल जिते बेले कठिन को परिणत करवा आम धर जाऊ गोटे आम जल को जिते बेले आम थंडा कर दौची तो से कौन है हिमन हिमन अर्थात कौन थंडा बा बरफ हे अच्छा यहाँ मध्य ठीक अच्छे अच्छा सी अच्छे स्फुटन अच्छा देख तरल रू ये कौन अच्छे गैस को तीरचिन्ह दिखाई तरल रू गैस को अच्छा स्फुटन करने द्वारा जिते बेले आम तरल पदार्थ को आम जिते गरम करुचे अच्छा गरम करने द्वारा जिते बेले से कौन है से जिते बेले स्फुटन को आसो है तो स्फुटन होगा द्वारा से कौन है ना गैस परिणत हो हेला गरम है कि कौन जिते बेले आम जल को कौन करुचे तो जल को जिते बेले जल तरल पदार्थ आकार आम जिते बेले आम कौन करवा गरम करवा तापमात्रा प्रयोग करवा तापमात्रा प्रयोग कले कौन है जिते बेले 100 डिग्री सेलसीयस आसो तो सेते बेले से कौन है गैस परिणत होटा मत ठीक अच्छे डी कौन ना संघनन अच्छा डी कौटा दिखे डीटा देख संघनन अच्छा संघनन बोले कौन ना संघनन बोले हूँ जोटा को गैस को आम तरल परिणत जिते बड़े करुचे आम कौन बोल कौ संघनन ये ठीक अच्छे अच्छा इफ एप्रे अच्छे गैस रहा जिते बड़े देख गैस गैस
रु आम कठिन है ये तो ठीक अच्छे ता सहित इ एफ कथा को आम जो देखा इ रे कौन अच्छी इ रे अच्छी इओ एफ ऊर्ध्वपातन इओ ओ एफ ऊर्ध्वपातन देख गैस रु डायरेक्ट कठिन पदार्थ को परिणत होगा यहाँ ऊर्ध्वपातन कहे आउ कठिन पदार्थ डायरेक्टली गैस रे परिणत होगा ताको आम ऊर्ध्वपातन बोल कि कहचे तो यार सठिक उत्तर टी कौन है सठिक उत्तर टी हम ऑप्शन ए। अच्छा जेहेतु ऑप्शन बी अच्छे ऑप्शन बी को मध्य टिके आम विचार करने ऑप्शन बी ठीक हम ना भूल हे देख ऑप्शन ए। अच्छा ए कथा जोटा कहुच्छे ए तीरटा कठिन रु तरल पदार्थ को गला यहाँ विकलन। अच्छा ठीक अच्छे बी हिमन। अच्छा बी कौन अच्छे हिमन। अच्छा सी कथा आम जो कहूँ तो सीटा कौन हो तरल रु गैसीय को एठारे भूल हो गला डिस्फुटन कौटा डिस्फुटन। अच्छा गैस रु तरल को परिणत होगा यहाँ तो स्फुटन केतना डी नंबर तीर को देख डी नंबर गैस रु तरल। अच्छा जितेबले आम गैस रु आम तरल को आम जो करुच्छे तो स्फुटन हो न था हेमा को बोली आम कहीपर कितु इ ओ एफ ऊर्ध्वपातन देखिए तेणु यार सठिक उत्तर टी भूल हे बी एवं सठिक उत्तर टी हे ए हेला एटा तिला आम साइंस रो इंपोर्टेंट मैटर सब्जेक्ट रो मैटर एवं यार प्रॉपर्टीज जेहेतु गोटे दुईटी क्वेश्चन देखा मिलता है तेणु एटा तिला इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवं जो ये मैटर एवं प्रॉपर्टीज रो जो नंबर सॉल्विंग नंबर गुड़िक अच्छी अर्थात नंबर गुड़िक अच्छी जोटा कि आम कैलकुलेशन करने को पड़ता है से भली प्रश्न को आम नेक्स्ट क्लास रे एवं परवर्ती जिते बेले साइंस रो आम चैप्टर जिते बेले करिबा तो सेठारे आम देखा पाइबा एवं तहार समाधान आम करिबा तेणु जदि भिडियोटी पसंद लगी थाए हेला भिडियोटी जदि पसंद लगी थाए तो समस्ते टिके शेयर कर हेला सब्सक्राइब कर चैनल टी एवं निज सांगसाथी मानक मध्यरे शेयर कर लाइक कर सब्सक्राइब कर एवं आम ये चैनल टी चैनल है एमआर स्टडीज को सब्सक्राइब कर ता सहित नोटिफिकेशन बेल टी को प्रेस कर दि जहाद्वारा कि आम प्रतिदिन जो अपलोड करुच्छे ओटीटी एग्जाम पे जो सिलेबस अनुसार जो वीडियो गुड़िक आम प्रिपेयर करुच्छे ता तुम मानक पाखक पहुँची पार है तो ठीक अच्छे आजपाई ये है आम देखा परवर्त क्लास जोटा कि यहाँ कंटेंट क्लास तो पेडागोजी सेक्शन को आम जा पेडागोजी सेक्शन को देखा ता सहित अन्य विषय गुड़िक जोटा अच्छी मैथ है कि इंग्लीश है तहार पेडागोजी एवं तार कंटेंट क्लास टी आम चालू रखिबू एवं दैनिक भाव में आम वीडियो गुड़िक अपलोड करूँ चैनल सहित सब बेले जोड़ी हो रही था हेला जोड़ी रही था एवं वीडियो टी को देख शेष पर्यंत जहाद्वारा कि ओटीटी एग्जाम ठीक नंबर टी रखिपार है तो आजपाई ये गुड बाय।